बाल कटवाने तो जा रही हूँ, जैसे कटवाऊंगी वैसे ही कटेंगे, वरना बस बोल लेकिन टकला नहीं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कुछ आम के सबके नाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, आप सबके दौर गए थे, हम सब एकदम ठीक है। ये कह रहा मेरे बाल कटा दो, बाल कटा दो, वैसे बहुत बड़े भी हो गए थे, तो क्या करना है, इसके बाल अभी एकदम कम करा देना, एकदम प्लेयर की तरह बिल्कुल छोटे करना है इनके बाल, बिल्कुल एकदम छोटे। चुप रहो, मैं आपको रेफरेंस दिखा। अभी हम रेहान के नंबर के लिए वेट कर रहे थे, और आजकल IPL फीवर चल रहा है। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? सारे लड़के ना एक से होते हैं, उनकी भी मर्जी नहीं थी रेहान के बाल कटे, तो वो रेहान से आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये लोग जाके दिखाते हैं अब घर वालों को। ये देखो, ये दोनों को ही मिल गया। मेरी मर्जी कैसी हो गई? मैंने कहा था छोटे छोटे करा के आना, कह रहा था आगे की बिल्कुल नहीं कटाऊंगा, मेरी मर्जी की। देखिए, मेरे बर्थडे में मेरे मन पसंद के बाल कटेंगे। ठीक है, बहुत टाइम अभी, बर्थडे तक इतने बड़े करूंगा। पीछे बचे रहना, गंजी में कोई पीछे से अच्छा तो लग रहा है, लेकिन देखो गर्मी में तुम्हें आराम भी मिलेगा। कटाने का ये मकसद था, जब ये ट्रायल पे गया तो मार कम रहा था और ऐसे ऐसे ज्यादा कर रहा था। जब आपको खेलना है तो आप लुक भी प्लेयर्स की तरह करो। आप लोग बताओ सही किया या नहीं किया। लेकिन मेरे बर्थडे तक मैं यहाँ तक लाऊंगा। हाँ, इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह, ताज में जाने का मूड ही नहीं है अब तो। तू ताज में बड़े बाल वालों को बुलाते हैं? बाल वाले स्मार्ट वालों को बुलाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। इतने फैशन वाले। अरे क्या फैशन वाले, वो पूरे सामने के चले गए। रेहान पूरे हैं, देखो ना, तभी तो लगोगे खेलने वाले। गर्मी इतने अच्छे, इतने अच्छे, तभी तो लगोगे बैंड खेलने वाले हो। इधर तो देखो, जो बंदा स्मार्ट होता है ना, वो टकले में भी स्मार्ट लगता है। किसी को भी तुम दिखाना, अगर कोई तुम्हारे बाल बुरे कह दे तो बताना। अभी हम लोग वॉक करने आ गए थे, पूरा ग्राउंड खा लिया, और एक कोना पकड़ के ये खालू से बात कर रही है, और दूसरा कोना पकड़ के ये खालू से बात कर रही है। क्या कर रहे हो? अभी ये कल पता चल गया, हाथ दो। रात में ही नापने आया मुझे। लाश को ठिकाने लगाना है। क्या करना है? बोल, आग दबाओ, मेरी सांस रुक जाएगी। हम लोग दिलाने वाले नहीं है, तो नाक मत दबा रहे। जाओ, खाना के जाने की पैकिंग भी होने लगी। रमजान आ रहे हैं तो हम लोग ये कपड़े भी निकाल रहे हैं सबको देने के लिए। ये जो फेनिया है ना, ये खाला मुझे भोपाल से लेके आई थी, तो मैंने आज यही बना के खाया। अरे वाह, थैंक यू मम्मी, स्पेशली ये चटनी बनाने के लिए, केरी की चटनी। कैसा लगा इतने दिन बाद? अच्छा। पढ़ाई? हाँ, इतनी मोटी बुक दी है पूरी साल इससे पढ़ना। काय की है? ऑल सब्जेक्ट, ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे पता है कि नाचा खा लगा, थोड़ा सा जाने का टाइम भी आने वाला है, दो दिन बचे हैं, और साथ साथ रमजान भी आ रहे हैं, तो कुछ छोटे मोटे काम है, तो हम ये पास वाले मार्केट से करके आते हैं। इतना बड़ा झोला, पूरी सबकी मैचिंग करना है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मार्केट पहुंच गए, और अभी चलते हैं। यहाँ पे हमने सारे मैचिंग के जो पुराने कुर्ते या कुछ रखे थे, उसकी सलवार प्लाजो के लिए लिया। उसके बाद यहाँ पे नया नगर में, मतलब हैदरी चौक के पास एक शॉप है जहाँ हम हमेशा जाते हैं दुपट्टों के लिए, तो देखिए उनके पास बहुत अच्छे हिजाब्स भी हैं, दुपट्टों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपको हर तरह की मैचिंग मिल जाएगी। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप इनके पास से ले सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। और देर से खोलते कहाँ चले गए थे? गिरा तो देखना। ये बहुत छोटा है। ये तुम लोग बेमौसम बरसात कर रहे हो। रुको, अभी ऐसे अभी आप जाइए ना। किसकी शादी हो रही है? शादी नहीं हो रही है, ऐसे हमारी शादी है। नहीं, तो तुम्हारा बर्थडे है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कल खुशी का दिन है। हाँ हाँ, कल खुशी का दिन, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अरे चलो, नहीं तुम्हारे लिए आया है। सही का, आपके लिए आया है। अरे लिखा होगी, मेहंदी लगा रही है मैंने, क्या किस खुशी में, तो कहीं रिश्ता आ रहा है आपका। क्यों, कहाँ रिश्ते, क्या किस खुशी में मेहंदी लगा रही हो? कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब तुम्हें कल आएगा पता चलेगा। तुम भी तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, हमारे भी फिर मेहंदी लगा देना, ठीक है। देखो जिसका रिश्ता आ रहा है उसे मेहंदी नहीं लगा रहे तुम लोग, लगाई लगाओ। देखो तू कर रिश्ता आ रहा है, देखो तुम का दिमाग। पता है क्या, कौन सा रिश्ता आ रहा है तुम्हें? पता है किसका आ रहा है?
क्यों बताऊं? नेक्स्ट डे हो गया मैं और सारा रिजा के स्कूल जा रहे हैं। हम लोग रिजा को लेने जा रहे हैं और आज इसकी नई बुक्स भी मिलने वाली है। घंटे बाद हमें हमारी ये जो बुक्स है मतलब रिजा की बुक्स है वो मिल गई है। चार्ज निकले बहुत गर्मी इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुशी हो रही है हाँ। बुरा लग रहा है। नई नई बुक्स आई है। अच्छा है फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं 7th फ्लोर। चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा है। पता नहीं हो गई मुझे लगता है सिर्फ धूल से हो गया होगा। नहीं नहीं ये एक एक और मारना पड़ेगा। और वाइट है। हाँ थोड़ा अलग दिख रहा है। हाँ ऐसे क्यों बहुत डिफरेंट दिख रहा है। पर तो ऊपर वो नहीं करना चाह रही है। वो तो करेंगे वो लगा के वो तो कल ले लेंगे। अरे बहुत मस्त है। अच्छा बहुत स्मार्ट है। ये कितना अच्छा लग रहा है। इससे कितना वो आ गया। ये भी चेंज किया ना हमने। हाँ ये चेंज किया। एक ही बार सब कुछ हो पूरा हो गया। नहीं तो साथ रह के नहीं हो पाता। अभी इसके बोर्ड्स नहीं लगाए वाला मेन शूट के लिए होगा। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ी डेकोरेटिव लैंप डालने हैं। अच्छा हाँ और मिरर भी अभी लगेगा। मिरर बड़ा लगाएंगे ना इसमें। हाँ। राउंड लगाएंगे विद ब्लैक। अच्छा ठीक। वो एक्चुअली जो रेफरेंस फोटो हमने निकाली थी ना वो मेरी आंखों के सामने है। तो यहाँ पे ऐसे राउंड ब्लैक बड़ा मिरर। हाँ। उस पे ऐसे मोटा वाला ब्लैक अच्छा लगेगा ना। बहुत स्मार्ट लगेगा। एंड गोल्डन कलर के पिक्चर्स। गोल्डन पिक्चर्स मिल जाए बस। मिलेंगे मिलेंगे हम ढूंढेंगे। वो कहते एक महीने तो वो वेटिंग नहीं नहीं पता नहीं है। ये सब डेकोरेशन की चीजें जो कुछ रखना है लगाना सब, वो आई क्या देखेंगे। सही है ना लाइट्स इतना अच्छा है। जब आप लोग देखोगे ना बड़ी खलमी शॉक हो जाओगे। इतना वो जिसमें जिस रूम में शूट करने वाला है उसकी पूरी लाइटिंग जिसमें मिरर लगा है वो बहुत हमें तो बहुत अच्छा लगा। लाइटिंग है सबसे ज्यादा आपके फोटो शूट के लिए। रोटी लग गई नहीं लगी ना तो मैं कल दिखाऊंगी। अभी हम लोग आ रहे थे कल अभी हम सारा को ऊपर घर दिखा के आए थे। एक्चुअली भाभी के साथ गए थे क्योंकि कल हम लोग फाइनली आईकिया जाने वाले हैं। तो उससे पहले हमें जाके ऊपर देखना था कि क्या क्या चीजें हम वहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नोट कर लेंगे और फिर वहाँ पे जाके लेंगे। वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। और कल अभी खालों को ये भाई खालों को दोनों खालों को मामू को नानी को सबको जो भी घर जितना हो चुका है वो भी दिखाएंगे। कुछ कुछ चीजें अभी भाभी ने जाके देखी है जो कि परफेक्ट नहीं हुई है तो हमें फिर से वो भैया लोगों को बुला के वो सारी चीजें ठीक करानी पड़ेंगी। सारा को बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज्यादा खुश है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा हो जितना आपने अभी देखा। आगे भी वॉलपेपर्स भी लेना है मैट्रेस भी लेना है और सारी जो डेकोरेशन की चीजें होती है वो भी लेना है तो वो सब आप देख ही लेंगे। अम्मी आप कल चलना। और आज हम लोग पता है कहाँ जाने वाले हैं। ताज पैलेस। ताज पैलेस ये लोग नहीं जाने वाले। ताज होटल जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने अपनी पार्टी मांगी थी ना। अच्छा तुम लोग घर पे मिलेगी। इन लोगों की नजर लग गई। ताज नहीं जा सकते। क्यों? वैक्सीन बच्चों को अगर नहीं लग गई तो वो भी नहीं घुस सकते। बोल तो 15 है हम दोनों। एक दिन में थोड़ी ना लगती। लेकिन बच्चों का भी इतना कंपलसरी नहीं किया गया। कहीं चले जाओ अच्छी जगह जाओ घूम के। अभी तो रेहान का रिएक्शन देखना। कल से हल्ला मचा रहा हूँ। ताज पहले ताज पहले क्या बनाया अभी। लौकी मेरा तो छाला हो गया। मुझे फेनी बना दो। मलाई मलाई हटा दो। ये सारी चीजें देख के फ्रेंड्स अपने स्कूल टाइम की याद आ जाती है। नई नई बुक्स की खुशबू नया बैग उसमें कवर चढ़ाना नेम्स लिखना वाओ। आज भी कैंसिल हो गया। क्यों नहीं आने दे रहे बच्चों को वो। बच्चों ने कहा था क्यों क्या गुनाह कर दिया था। बड़ों को ही जाने दे रहे कहीं और जा रहे इन्फिनिटी मॉल जैसे कुछ। इसे बड़ा ही प्यारा सा पर्स आया था मुझे ये वाले ब्रांड इंस्टाग्राम पे तो मैं इसकी फोटो शूट भी वहाँ पे कर लूंगी। चलिए हम सब रेडी हो गए। हम सब कहाँ जा रहे हैं। ना होते होते भी हो गया। वो सब आप भाई या भाभी के ब्लॉग में देख रहे। तुम तो कह रहे थे आज मेरा रिश्ता आने वाला है। हाँ, आएगा कल। कल मतलब आज वो पोस्टपोन्ड हो गया कल आएगा। मैं तैयार होके बैठी थी। कल परसों चलते हैं। मेरा फोन भी ले लो। खाने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। जब हम लोग जा रहे थे ना वहाँ पे CSK की बस देखी उसके अंदर प्लेयर्स थे तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। धोनी भी होगा फिर। क्या फायदा दिखे तो मजा आए। कौन दिखा। जडेजा और राइडू। हाँ।
बाकी सारी चीजें आप भाई अभी के ब्लॉग में देखिएगा, लेकिन जो पापड़ थे ना ये एकदम घर जैसे थे, जैसे नानी बना के लाया करती थी मौदा से। खाने में हमने ये खाया था, नाचनी की रोटी थी वहाँ पे। रेहान ने ये लिया था जो हम लोग बचपन में बहुत उड़ाते थे बना बना के घर पे, दाढ़ी बन गई। अम्मी कह रही थी बनवा लो जाओ मंदिर लाओ। हम लोग आ गए थे ताज होटल से, बच्चों की जो भी विश थी, भाभी ने अवार्ड जीता था उसके लिए बच्चों ने फरमाइश की थी तो वो पूरी हो गई है। अभी मैं सो रही हूँ, स्कार्फ देखिए मैंने कर लिया था, मुझे काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं अभी यही एंडिंग में डाल लेती हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, खाना बहुत अच्छा था, शायद अंदर और भी ज्यादा है ताज में, हमें नहीं देखा। हम लोग जिस जगह पे गए थे वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, लुक वाइज कुछ बहुत चेंज नहीं था, शायद अंदर कुछ और अलग होगा। वहां इंशाल्लाह कभी और जाएंगे तो आपको बताएंगे। मैं सो जाती हूँ कि कल पता हम आइकिया जाने वाले हैं घर के लिए शॉपिंग करने, नए वाले घर के ऊपर के लिए बहुत सारी चीजें लेंगे, देखते वहां जाके कैसा एक्सपीरियंस होता है। अपना ख्याल रखिये, दुआओं में याद रखिये, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।